ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਣ ਦੀ परेशान ने अल्लाह ताला उन्हां दी परेशानियां हल करे सदा हाजिर हो बसदे रहो शाद रहो ते आबाद रहो आमीन सुमामीन। ब्लॉग शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है कि प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करो ते बैल दा बटन ना भुलिया जे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो तक आसान ना पहुंच सके। तो चलो फिर ब्लॉग शुरू करने हैं। बाहर सब्जी वाले ने आवाज मारी थी तो मम्मा सब्जी लैन गई तो मम्मा चुक लियाई छोलिया सस्ता सी तो मम्मा लिया इम्मा कहती चलो आप पका लवेंगे चावलों च पा के तो हूँ सारे वक्त पिया खलोता है भी इनू जल्दी जल्दी कढ़ लईए कढ़ना की है जिन्ना मज़ेदार बनता उन्नी ना उन्हें तो स्यापा करना पैंदा तो असीं पापा जी ने भी नाल ही ला लिया है भी पापा जी तुसीं भी नाल जल्दी जल्दी कढ़ा दो हुण पापा जी भी लगे हुए ने तुसीं भी कढ़ लवो कितनी मुश्किल है एक एक दाना तोड़ो फिर उन्हें खोलो फिर विच दाना कट के फिर रखो तोड़ो क्यों इस तरह साथ ही डंडे के ऐ मैं सारे इन्ने कढ़ लें क्या देखो मैं इन्ने कढ़ लें सारे नहीं कढ़े ने जैन ते आम ना एक पासे दो गुटियां दे हां तू कितने कढ़े अज चिड़ी रोजा रखा सी पहले तेन सही रख लें अज चिड़ी रोजा रख लिया आम ना चिड़ी रोजा रखे सारे जन लगे हम मैं भी थोड़ी थोड़ी बिचो थोड़े कढ़वा दो मैं अगे जैन ने वाह सारे करा के आई जैन कहना मैं कल ने किते ते वेखो मम्मा ने कपड़े धोते सारे सुबह सुबह मम्मा कहनी संडे ते अज धो लेने कपड़े मैं क्या मम्मा भी संडे ही नहीं लाजमी है धोने पापा ने सानू आ तार नवी बन के दी कपड़े ज्यादा सी ते फिर कपड़े पूरे नहीं आते इतने कंध कुंते खिलारने पेंदे सी पापा नू क्या ते पापा कहंदे लियाओ मैं तुहानू तार बन देना मैनू तुसीं वेला ना बैन दिया पापा जी आए असीं आंदे कहदा पापा तार बन दो बाकी काम बाद च बाद च पहुंचने ते पहले तुसीं काम पहले सोचे हुंदे असीं सोच केड़ा केड़ा काम आए ला फिर आ तौलिए साडे जिहड़े सी ड्रायर कढ़नी पैनी सी ओह वी पापा ने नचोड़े ने सारे तौलिए वी हाँ अज आप वेख के आवेंगे अपने दरख्त वड्डे होए ने कि नहीं तो फिर जो वेख के आए तो फिर आप की लैन जाने अच्छा चलो ठीक है वेख लवेंगे सारे वेख लवेंगे हुसैन भी नाल नाल करदा पिया हाँ सारे जने लगे हुए हुण मैं भी थोड़ी जी हेल्प करवा देवां कि रहन देवां पापा जी पापा ने कहा वो डेढ़ बजे तक कढ़ लो फिर जान हो यानी फिर सारे जने नमाज पढ़िया तो फिर आप मुरब्बे जावांगे तो हले सिर्फ एक वजह अद्धा घंटा पिया अद्धा घंटा चलो कढ़ने ध्यान नाल असी छोलिया जिहड़ा सारा कढ़ लिया वेखो टोकरी च एडी मुश्किल नाल निकलिया ना कि हाथों भी ज़्यादा मुश्किल लग ते हुण मम्मा दोबारा गुट्टियां की सारी तलाशी लै रही है भी कितने कोई दाना रह तो नहीं गया जैन हुसैन गया होए ने नमाज पढ़न नजाना हो गई ने ते पापा गया होए ने आंटी घर ते हुण मम्मा जल्दी जल्दी हुण वेखदी पी है भी कोई दाना वेखो निकल आया ये पांच है हाय 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 अम्मा कहंदी 20 रुपये किलो एक रुपए का 20 रुपये की गुट्टी एक रुपए का एक दाना बनता है मैं कह बस सिर्फ 20 दाने निकलते ने विचों अम्मा कहंदी नहीं फिर भी रिज़क जाया होएगा ते वेखो किन्नी रेत निकली है ना आ वेखो आ सारी रेत नंचार झूड़ के कर दिया होया जिहड़ी सारी आ रेत ही निकली ते हुण आ चादर वगैरह इकट्ठी करके फिर असी नमाज पढ़नी है आम नाल नमाज पढ़ के ते पापा दे नाल चली गई उधर आंटी घर हाँ निकलने जाते ने हुण सत अठ निकलन गई साडी बदनामी करान गई ते फिर इन्हां नूं सकून आएगा भी असीं सही नहीं कीते चलो हुण मम्मा इहनूं धोवेगी ते फिर असीं वजू करके ते नमाज़ पढ़ांगे ते फिर वेखांगे जैन हुसैन आणगे बदल फिर बन गए ने
अल्लाह करे बारिश ना आई आवे हुन असीं कपड़े धोते ने ते नाल कणकां ज्यादातर लोग इसे गल तो रोंदे पे भी कणकां सारियां डिग गईयां ने हुन मैं धोन लगी है छोलिया असीं चावलां च पाने चलो जी छोलिया धोता गया हुन मम्मा जी अज ही चावल पकाने के कल परसों तक हां फिर कद पकाने ने हुन भाई असि चलिया मरे बेबावा दिन हो गया असि दरख्त लाए थे असि पापा नु रोज कहंदे सी जदों पापा आंदे सी भी असि मरे बेजाना ते अज आखिरकार छोलिया छुलिया कड के वेले होए नमाज पढ़ के वेले होए ते पापा मान ही गए ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਰੱਬੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਆਮ ਦਾ ਵੇਖੋ ਮਰੱਬੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਪਰਸ ਪਰਸ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਜਿਹਾ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇਖੋ ਆ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਪਾਇਆ ਆਮਨਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਮਨਾ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਘਰ ਮੰਮਾ ਠੀਕ ਜੇ ਨਾ ਜੈਨ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜਾਓ ਸਹਿਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਦਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਖਾਰੇ ਚ ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਨਾਮਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਡਈ ਮੈਂ ਉਹ ਦਰਖਤ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਪੱਤੀ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਟੁਰੋ ਚਲੋ ਟੁਰੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੈ ਚਲੋ ਪਾਪਾ ਦੀ ਆਲੀ ਵੇਖੋ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਡਿੱਗ ਪਈ ਲੰਮੀ ਪਈ ਖੜੀ ਐ ਇਹਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਮੁੱਲ ਕਣਕ ਲੈਣੀ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਯਾ ਵੇਖ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਟੇ ਆਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਿੱਟੇ ਨੇ ਜਿੰਦੀ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਦ ਬੁਲਾ ਸਾਰੇ ਉਗਰ ਦੇ ਆਂਦੇ ਬੇਟਾ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਗਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਹਫਤਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹਫਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪਰਲੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਓ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵੀ ਤੋ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਤੇ ਆਏ ਇਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਤੇ ਆਏ ਉਹ ਵੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਡਨੀ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਲਾਏ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਪ ਤਾਂ ਡਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਸੀ 24 ਪੌਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ 20 ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਵੱਧ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ ਹਾਂ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਡਿੱਗੀ ਲੈ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿੱਗੀ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਉਵੇਂ ਸਹੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਵੇਖ ਇੱਥੋਂ ਆ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬੇਟੀ ਬਣ ਚਲੋ ਆ ਵੀ ਖੋ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਆਂਦਾ ਓਏ ਉੱਤੇ ਫੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਰੈੱਡ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਲ ਮਰਚਾਂ ਦੀ ਹੈ ਲਾਲ ਮਰਚਾਂ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਪਹੁੰਚੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਮੇਰੀ ਐਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਇਓ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਤੇ ਬੜਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪੌਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕੀ ਸੀ ਸ਼ਤੂਤ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸ਼ਤੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇੰਨੇ बकरियां समान वे किड्डे प्यारे हाँ, पता नहीं बेचारियां दी किन्ना दी सी कणक सारी डिग पी इहदा बहुत नुकसान है चलो अल्लाह करे खैर नहीं उधर वेखो एवें लगदा जिवें आसमान थल्ले लत्त दा आ गया पर एवें है नहीं कणक दे लाओ दो मेरा चश्मा आप ही एक बारी माशाल्लाह माशाल्लाह समान बहुत प्यारा है एवें दे छिटे छिटे बदला तो ना बर्फ पा आप ही आना बस चलिए हुण फिर मेरा सारा बैग गंदा हो गया चले वापस क्योंकि बहुत देर हो गई रोजा लगन लग पे दिन मार खराब होने लग पे इतने खाने वालिया बड़िया शाव ने वापस चली आना वे पक्का पक्का ही खराब होता वे चला जा आमने तो अज रोज असि अगले चुप करके रोटी खा ली एक चीज तोड़ी घरे जाके खावे आखो इन आ खाते पैसे सारे दिन तो सा दिन मान खराब कर दे बस पापा ते आप ही टोकरी बिलकुल चलो हुण उठो नमाज पढ़ो सर्दी दा हुण खान लग पई हुण असीं इहनूं धो के रखणे आ फ्रिज च ठंडियां होणियां फिर ताई टाइम असीं खावांगे आ खांदी पई है ना ते स्कूले आगियां वी ना साडे ते असीं उत्थों ला के खाईयां होंदियां ने ते भाई हुण असीं पढ़न लगे नमाज ते जी भैण ते भरा तुहानूं साडा इहदा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके लाजमी दसना है प्लीज मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करो ते बैल दा बटन ना भुल्ले जे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो तुहाडे तक साईं ना पहुंच सके सदा हसदे रहो वसदे रहो शाद रहो ते आबाद रहो आमीन सुमामीन रब रखा।